लड़की मानने को तैयार ही नहीं है भाई, इसका कपड़ा पहना हुआ है, तो अब क्या करें। रिमूव स्विच तो नो प्रॉब्लम। अभी इनके घर वाले आ गए, ये फर्स्ट वाइफ है देख सकते हो, और ये इनके हस्बैंड है। तो इस वक्त दोस्तों हम लोग इथोपिया के तुर्मी में हैं, तुर्मी टाउन से कोई 1 किलोमीटर दूर, और अभी हम लोग जा रहे हैं आपको हमर ट्राइब का एक विलेज दिखाने के लिए जो यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर दूर है। सो अभी हम चलते हैं, आपको सारी कहानी गांव में चल के दिखाएंगे। अभी कैमरामैन भी है, उनको भी दिखा देंगे। और ये चारों तरफ पूरा जंगल है देख सकते हैं आप। ये भाई साहब हमारे कैमरामैन है, बूचे वेलकम। वेलकम ब्रदर। नमस्ते नमस्ते। अब जैसे हम गांव की तरफ जा रहे हैं, आपको हमर ट्राइब के लोग यहां बाजार से सामान लेके जाते हुए दिखाई देंगे। और ये साथ में हमेशा अपनी कुर्सी हमेशा साथ में रखते हैं आप देखो, और इसी सड़क पे गाड़ियां चलती है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं हमर विलेज में। ये कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ की वुमेन है जो अभी यहाँ पे आई हुई है। ये देखो यहाँ पे कुछ झोपड़े वगैरह है, और ज्यादा गांव तो बड़ा नहीं दिख रहा है, छोटा ही दिख रहा है, और लोग भी ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, शायद वो अभी गांव में गए हुए हैं। ओके सो अभी हम लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं। ये देखो भाई, ये एक गांव में आदिवासी लोगों के जैसे बेचारे घर होते वैसा ही कुछ घर है। तो इस गांव में करीबन 300 के आसपास लोगों की आबादी है, और लोगों की वेशभूषा देखेंगे, लोगों के घर देखेंगे, और यहां के लड़के वगैरह जो है वो उनका क्या सिस्टम है, स्कूल वगैरह जाते हैं नहीं जाते वो भी पूछेंगे, क्या खाना खाते वो भी पूछेंगे, किस तरह से इनका जीवन चलता ये सब पूछेंगे। एक वुमेन ये है, अब ये कपड़ा पहनने लगे, नहीं आई ऑलरेडी स्टार, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी हम चलते हैं इस गाँव में। ये एक बाड़ा है उधर से लेके आप देख सकते हैं, तो ये एक फैमिली का है, तो एक झोपड़ा उधर है एक झोपड़ा इधर है। पे लॉक भी लगा हुआ है उस दरवाजे को, मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जरूर रखते हैं। So as you see, she is married woman. A married woman dress is very white. Okay. And also this one shows that she is the first wife for her husband. Okay. When she have this. Okay. And this made of metal and skin. Okay. She can't remove out. Okay. This one, when she sleeps, whole life. Whole life, yeah. Okay. Maybe sometimes when she stop pregnant, or when she is like grandmother, she can take out. Okay. Or her husband dead, or she become widow, she can take out and she can put the symbol one. Okay. Yeah. तो अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे तो ये एक हमर ट्राइब की वुमेन है, और आप देख सकते हैं ये जो गले में पहना है वो जब पहली वुमेन होती है शादी करते हैं तो उसके गले में ये पहनते हैं, अगर ये दूसरी वाइफ है तो उसके नीचे एक कड़ा भी पहनते हैं, और ये बनाते हैं इम्पाला की, इम्पाला का शिकार करते हैं, उसके स्किन से ये सब बनाते हैं। दिस रेड वन इज इट्स नॉट अ सॉइल, दे फाउंड इन द माउंटेन्स। ओके, व्हेन दे फाउंड द रॉक इट्स येलो और ब्राउन कलर, एंड दे टुक दैट स्टोन दे पुट इन द फायर। ओके, एंड इट्स चेंज द कलर टू रेड। Okay. And they powdered and they mix with butter and incense and they put. Once she married, she can't do other style. Only okay. This one. Red one. और अब जो बालों की बात की जाए तो बालों में कुछ ऐसा है ना, ये पहाड़ों में जाते हैं, रेड स्टोन जो पत्थर होता है उसको तोड़ के लाते हैं, और उससे फिर ये लोग गर्म करते हैं, और फिर ये बटर होता है ना घी, उसके अंदर मिक्स करके एक तरह का पाउडर बनाते हैं, और फिर वो ऊपर लगा देते हैं। और रेड कलर का, जब तक वो मैरिड वुमेन है उसको रेड कलर का ही लगाना पड़ेगा। सो अभी तो ये कुछ इनका हिस्ट्री है, और इनके जो यहाँ पे जो पहना हुआ है वो गोट की स्किन है, मतलब बकरी के खाल की एक कपड़ा बनाते हैं उसको ये इन्होंने पहना हुआ है। तो अभी ये लोग थोड़ा कपड़ा पहनते हैं, अभी भी ये कपड़ा कभी कभी नहीं भी पहनते हैं, अभी एक दूसरी वुमेन कपड़ा नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं इनको, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम चल रहे हैं गाँव से बाहर, और ये एक लड़की है गाँव की, और ये ऊपर का भाग खुला इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता आपको, ताकि प्राइवेसी उल्लंघन ना हो इसलिए। और ये है यहाँ पे उम्रदराज वुमन, शी इज ओल्ड एंड एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट वाइफ व्हेन शी बिकम ओल्ड शी कैन रिमूव द फर्स्ट वाइफ थिंग, सो शी इज ओल्ड, शी हैव ग्रैंडचिल्ड्रन, शी कैन शी रिमूव द फर्स्ट वाइफ, शी हैव हस्बैंड, यस हर हस्बैंड इज देयर। ओके, सो व्हेन दे आर ग्रैंडमदर दे हैव क्राउन। ओके ओके ओके, तो ये है बुड्ढी अम्मा, इस गांव के, इस घरों की मुखिया कह सकते हैं। जब वो बुड्ढी हो जाती है तो उसके जब पोता हो जाता है तो वो गले वाला जो वो बड़े वाला निकाल देते हैं, और ऊपर वो क्राउन एक रानी के जैसा वो पहनती है, इस घर की ये मुखिया, इसलिए ये रानी है।
तो ये हो गया, अभी इनका पोता भी इनके साथ में चल रहा है। लड़की मानने को तैयार ही नहीं है भाई, इसका कपड़ा नहीं पहना हुआ है, तो अब क्या करें, इनके लिए सब नॉर्मल है। ये पीछे आप रोड देख सकते हैं, इस तरफ से हम आए हैं और अभी हम लोग इस घर की तरफ जाएंगे। ये एक और फैमिली है और ये फैमिली काफ़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घर झोपड़े आपको देख रहे हैं। ये देखो इस घर की जो मुखिया है दादी, वो जा रही है अंदर। कम ऑन ब्रो, रात को ये ऐसे बंद कर देते हैं ये लगा के, और अभी हम लोग अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बाड़े बने हुए हैं, देखो ये बकरियाँ गाय बकरियाँ बांधने के लिए स्पेशली, गायों के लिए तो नहीं है, गायों के लिए बड़ा बाड़ा उस तरफ है। ये झोपड़े हैं, 1, 2, 3, 4 काफ़ी झोपड़े हैं। कम ऑन, इसको ये लोग ओनी बोलते हैं, झोपड़े को ओनी बोलते हैं, हम बोलते हैं झोपड़ा। हमारे वहाँ सिमिलर ही होता है। अब हमारे वहाँ क्या होता है, नीचे की तरफ दीवार बनाते हैं और फिर ऊपर झोपड़ा बनाते हैं। ये लोग पूरा लकड़ियों से ही बनाते हैं और अंदर की तरफ थोड़ा गारा वगैरह लगा देते हैं। ये जो झोपड़ा है इसमें कोई 6-7 लोगों के रहने की व्यवस्था है। वो लोग जब बारिश होती है तो ही अंदर रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे ही सोते हैं इस जगह पे। ये एक तरह का आंगन कह सकते हैं। तो ये नीचे कोई गद्दा वगैरह नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ काउ स्किन जो गाय की चमड़ी होती है ना, वो उसी को बिछा के सोते हैं। अभी हम चलते हैं, आपको घर के अंदर से दिखाते हैं कि घर के अंदर से कैसा होता है, थोड़ा आपको दिखा देते हैं। और ये जो बाड़ा देख रहे हैं ये है बकरियों के लिए, भेड़ के लिए, क्योंकि ये इसकी साइज़ बकरियों की है और इसके अंदर आप बकरियों के मींगने भी देख सकते हैं। और ये जो बाजू में बड़े वाला दिख रहा है ये वाला है गायों के लिए, तो ये इतना बड़ा है। अभी यहाँ पे गाय एक्चुअली नहीं है, ये लोग गाय जंगल में ही रखते हैं और वहाँ पे कुछ लड़के साथ में होते हैं तो जंगल में ही रहते हैं, तो कभी कभी आती है। अभी आपको घर के अंदर दिखाते हैं। Here the woman's job is gathering firing wood from bush, cooking, gathering water from the river, and looking after children. Okay, like housewife, like housewife. Everything is done by woman. Okay. Man's job is looking after cattle and making beehive, make a farm and live for woman. Okay. Man's job, and if there is conflict with other tribe, protecting the neighborhood. So, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे महिलाओं की क्या भूमिका होती है और आदमियों की क्या भूमिका होती है। महिलाओं का काम घर को संभालने का काम है, लकड़ियाँ लाना, बच्चों का ख्याल रखना, खाना बनाना और घर के आसपास ध्यान रखना, ये है महिलाओं का काम। आदमियों का काम पशुओं को चराने जाना, खेतीबाड़ी करना, ये सब हमर ट्राइब के आदमी लोगों का काम है, मेंस का काम है, और वुमेन्स का काम ये है। और ये एक झोपड़ा है जो ठीक ठाक बनाया हुआ है, और घर के अंदर जाने का डोर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा, देख लो, इट्स वेरी स्मॉल। लेट्स गो, इधर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये जो है ये महिलाएँ हैं देखो, लेकिन इन्होंने कपड़ा ऊपर पहना, नीचे सब कपड़ा पहन रखा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं दिखाना चाहते। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट घर में, किसी घर के अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो एक तरह से आदिवासी जो लोग होते हैं जंगल में रहते हैं वैसे ये भी रहते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बस। और इन्होंने ये एक तरह के बाड़ बना रखी है ताकि गाय भैंस अंदर ना आए, बाकी यहाँ पे बड़े शिकारी तो यहाँ है नहीं, कुछ शेर वगैरह। ये एक चूल्हा बना रखा है, देखो 3 पत्थर रख करके चूल्हा बना रखा है, तो ये है इनका चूल्हा। अभी हम आगे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये बर्तन है, इससे दूध और खाना वगैरह खाते पीते ये सब है। तो ये है दूसरी वाइफ, वो वाला बड़े वाला नहीं पहना है, कम ऑन ब्रो, उन्होंने वो कड़ा पहना है, जो नीचे जो कड़े होते हैं वही पहना है जो गले के, और ऊपर वाला जो बड़े वाला था स्किन वाला वो नहीं पहना है, और वही बाल चमकते हुए एक छोटा सा बच्चा हाथ में कड़ा पहना है, इधर भी कड़ा पहना है, और कुछ मालाएं काफ़ी सारी पहनी हुई है, और साथ में एक टेलीफोन भी है। अभी ये लोग टेलीफोन भी यूज़ करते हैं, यू कैन सी टेलीफोन, तो टेलीफोन भी यूज़ करती है, सो दे कॉल टू हस्बैंड। ओके, तो इधर इज big difference if you are the first wife is more low in the house. Oh, the second, the third, they don't have sometimes, you know, if a husband not in the village in the house, so the first wife is taking
इंचार्ज कंट्रोल एवरीथिंग। एक बंदे की दो तीन वाइफ है, जब आदमी घर नहीं हो तो जो पहली वाइफ होती है वो हेड होती है, वो सारा चार्ज संभालती है, उसके गले में वो जो बड़े वाला पहना वो पहली वाइफ होती है। तो वी गो इनसाइड, यू गो फर्स्ट। अब ये घर के अंदर जाने की एंट्री है, अब मैं जाता हूँ, आप देखो कि किस तरह से घर के अंदर जा सकते हैं। कैन वी रिमूव स्विच? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी इस घर में जाने के लिए नो प्रॉब्लम, वी कैन। ओ माय गॉड, इस डोंट स्टैंड स्विच, कम ऑन ब्रो। ओ हियर समवन, सॉरी, ही इज मेकिंग अस अ लोकल, या कॉफी। सो अभी घर के अंदर आ चुके हैं और घर के अंदर मैं देख सकता हूँ एक महिला यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे चूल्हा जल रहा है, आप देख सकते हैं, और ये चूल्हे के ऊपर कुछ तपेला रखा है। व्हाट इज इनसाइड? देयर इज हॉट वाटर, शी इज बॉइलिंग फॉर अस लोकल बियर, लोकल कॉफी। कॉफी तो इसके अंदर लोकल कॉफी बन रही है हमारे लिए। और इनके पास ये है सारा गाय की स्किन से बना हुआ। Sleeping also on this? Yes, yes. Sleep. Man sleep on this side, woman sleep on that side. Okay. So, इसी पे सोते हैं और इसी पे ही ये लोग बैठते हैं, करते हैं। और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये सामान रखते हैं झोलिया बना के, और यहाँ पे कुछ पहनने के कपड़े हैं। Yeah, this jersey and storage. इसके ऊपर स्टोरेज है, ये देखो ऊपर है ना, काफी सारा सामान रखा हुआ है, तो उसका एंट्री वहां से है, ठीक है ना। तो ये है कुछ घर का हाल। घर काफी ठीक ठाक अच्छा खासा बना हुआ है, व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, साफ सफाई भी अच्छी खासी मेंटेन की गई है। कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा आंगन बना रखा है मिट्टी से। वी ऑल्सो डूइंग दिस सेम थिंग इन माई होम। नाउ वी चेंज, बट बिफोर लाइक सेम, yeah, we use like cow dung and like a sand, yeah, and then we use this. So here, this is the place of husband, sit here, drink coffee. Okay. Yeah, this is their kitchen, there's firewood. ये देखो ये हिला रही है, मतलब अंदर एक, oh my god. That's calabash. Can give me this one. Calabash. ये किसी फ्रूट से बना रखा है भाई देखो, और काफी बढ़िया, इसको ऐसे करके ऐसे अभी देख लो भाई, कॉफी बार निकाल रहे हैं और कॉफी गर्म हो गई है। ओके रेडी, ओके ये नॉट कॉफी बीन, या आई सी इन मार्केट। ये कॉफी के सिलके बने हुए हैं, सिलके से बनाया गया एक कॉफी है, और इसको ये पीते हैं। यू ड्रिंक? या आई ड्रिंक, या लिटिल वेरी हॉट, सो आई जस्ट नीड, या यू कैन ड्रिंक 2 मिनट। ये देखो कॉफी बन गई है, एंड अभी यहाँ पे ऐसे इस बड़े से खप्पर में कॉफी पीना होता है, इसको भी इन्होंने सजा के रखा हुआ है, और ऐसे ये लोग पीते हैं। ये अब्राम के लिए हैं, ये भाई के लिए हैं, और ये कॉफ़ी इधर देख लो भाई, तपेली में भरी पड़ी है, तो ऐसे ये कॉफ़ी पीते हैं। और ये लकड़ी वगैरह रखा है, तो ऐसे ये खुद के लिए एक और। ओके आई नॉट ड्रिंक, बट इट्स ओके। या अभी इनके घर वाले आ गए, ये फर्स्ट वाइफ है देख सकते हो, और ये इनके भाई हस्बैंड है, इनको अभी कॉफ़ी ऑलरेडी दे दिया है। हेलो, ओके, सलाम नो पैया नगैया। अभी जो मेरे साथ में भाई आया वो देखो यहाँ पे कॉफी पी रहे हैं, और यू लाइक कॉफी? Yes, sweet, good. Sweet. Sweet, yes, yeah. It's like tea, it's good for us. They put a sugar also? No, very good. Natural. Natural. Yeah. Okay. And yeah. Abraham, how was? Yes. Very nice. Abraham, देखो पूरा बड़ा खप्पर है, पूरा। I like local drink. Yeah, but I don't like. We Indian. Yeah. और हम लोग पसंद करते हैं कॉफी with milk, sugar, मसाला। हमको ये सब चाहिए होता है, इनको ये टाइप का पसंद आता है। Okay. Nice, thank you. Welcome. Thank you, brother. Thank you for her. Thank you. Wait. Oh, भाई अभी मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। कैसे बाहर निकलना, देखो कोई चोरी करके भागना हो तो निकल ही नहीं सकते इस घर से। काफ़ी सारा जगड़ माल बचा रखा है यहाँ पे, और ये हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये घर के भाई है जो चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट भी लग गई है, और मेरा सांस अट गया यार अंदर से बाहर निकलने में।
ये बच्चे खेल रहे हैं, कपड़े वपड़े नहीं पहने, सो यू डोंट सो देम। अब इन लोगों ने ये मार्केट लगाई है और देख लो भाई, मार्केट है, ये मार्केट है छोटी सी। ओके हाँ ओके या ओके ओके। इनके घरों के ऊपर से आप देख सकते एक बड़ा सा विमान भी आ रहा है, तो ये भी लोग देखते होंगे विमान वगैरह। यहाँ तो कोई नियर नियर एयरपोर्ट भी नहीं है, लेकिन यहाँ से फ्लाइट इनको भी दिखती है। तो ये कुछ नज़ारा है भाई। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएगा। अब हम चलते हैं गांव में थोड़ा और आगे, और आगे से आपको और नज़ारा दिखाते हैं। बाहर निकलने का इस तरफ एक और दरवाज़ा भी है, तो इस दरवाजे से बाहर जाते हैं और पूरे गाँव के लोग हमें वापस फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ झोपड़ी उधर भी हैं, कुछ घर हैं, और ये यहाँ पे बस छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं और कोई ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। तो हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक मेन रोड है। कम ऑन कम ब्रो, सॉरी यू गो बैक माता। दिस इज लाइक ए रोड, मेन रोड। यस इट्स रोड, ये इनका मेन रास्ता है। इसी रास्ते से ये लोग आते जाते हैं, घर के अंदर जाने का एक तरह का एक छोटा सा रास्ता कह सकते हैं। और ये और झोपड़े हैं। अब ये गाय देखो चर करके वापस आ गई हैं। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, गाय वगैरह बेच के मोटरसाइकिल ला सकते हैं, इनके पास इतने पैसे हो सकते हैं, तो अब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे गाय देख सकते हैं और छोटी छोटी गाय हैं, छोटे छोटे सींग वाली। और ये यू कैन सी दिस ट्री, ये देखो बोर बोर का ट्री है जो हमारे वहाँ भी होता है, वो यहाँ पे भी है। और ये छोटे छोटे बेल हैं, ये देखो। जब इनका बुल जंपिंग प्रोग्राम होता है तो इन सबको इकट्ठा करके उसी के ऊपर से ये कूदते हैं। अभी हमारे पीछे देखो आपको पूरा गांव ही चलता दिखाई देगा, सब गांव के जितने भी छोटे मोटे बच्चे हैं 2 साल से लेकर के 10 साल के सब हमारे पीछे ही चल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। पता नहीं क्यों फॉलो कर। तो अभी आप देख सकते हैं बकरी वगैरह सब घर जा रही है, और एक वो आंटी पीछे जा रही है ना, वो अभी बकरी चरा के वापस आई, शाम हो गई तो बकरी ये सब घर पहुंची है मम्मी के पास, तो एक दूसरे को चिल्ला रही है। तो अभी हम चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। तो इनके भाई भी आ चुके हैं, तो ये नाराज़ हो रहे हैं उनके ऊपर कि तुम लोग इधर पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, काम नहीं कर रही हो, मैं देख पा रहा हूँ। तो देखो सब रुक गई है वहाँ पे, एंड दे डोंट हैव अ लाइट। यस ओनली फायर इन द हाउस, सोलर नो। समटाइम्स सम एनर्जी गिव देम, दे हैव सम पीपल नॉट ऑल। इनके घरों में कोई लाइट नहीं है, ये अभी भी बिना लाइट के ही रहते हैं, सिर्फ जो आग जलाते उसी से काम गुजारा करते हैं। और सोलर ऊर्जा कोई बंदा आके दे के जाता है इनको दान में, तो उसी से काम चलाते, नहीं तो वो भी नहीं है। गांव में जाते हैं, फ़ोन को चार्ज करते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं और फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, ये इनका सिस्टम है। खेतीबाड़ी की जहाँ तक बात की जाए तो इनके आसपास थोड़े दूर दूर खेत बने हुए हैं, तो वहाँ से ये लोग खेती भी करते हैं, ज्वार और मक्की दो चीज़ों की खेती करते हैं। वहाँ पर मुझे सामने खेत दिखाई दे रहा है, तो वो खेतीबाड़ी करके सारा घर पे भी ले आते हैं और उसी को खाते पीते हैं, और साथ में गाय का दूध पीते हैं, और साथ में ये लोग कॉफ़ी वगैरह भी पीते हैं। तो ये इनका खाने पीने का सिस्टम है। भाई साहब आपको एक खास बात बताना रहेगा, अभी जो पीछे सारी लड़कियां चल रही है ना, अभी तो ये 15 साल 14 साल 12 साल की हैं, जब ये 18 साल की हो जाएगी, इनका भाई जब बुल जंपिंग करेगा तो तब उनके भाई और उनके फैमिली वाले इनको वो जो एक पतली सी टहनी होती है उससे पीठ पे मारेंगे और फिर चमड़ी से। तो वही है इनका सिस्टम ही ऐसा है कि ये सब कुछ होता है और चलता है सही ज़िंदगी में। तो फाइनली हम लोग घूमते घूमते वापस गाड़ी के पास आ गए हैं, पूरा गांव पीछे रह गया, लेकिन गांव वाले अभी भी साथ में ही चले आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी अच्छा बुरा दिख गया है तो मेरी गलती नहीं है, गाँव का जो था हमने दिखाने की कोशिश की, और मैंने कोशिश की कि आपको अच्छा दिखाऊँ ताकि आप फैमिली के साथ देखो तो भी कोई इश्यू ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाए, गांव है, गांव को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। सो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, शाम भी हो गई मेरे पीछे देखते के, और यहां पे चंदा मामा भी आ गए हैं। तो ये लोग चांद और सूरज के हिसाब से ही समय को निर्धारित करते हैं, इनके पास कोई घड़ी नहीं होती, इनके पास कोई समय तारीख कुछ भी नहीं होता है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और निकलते निकलते भाई साहब वो लड़की थी उसने मेरी टी शर्ट मांगी, तो मैंने उतार दिया फटाफट, शर्ट उतार के टी शर्ट उतार के दे दिया, और काफ़ी खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस गांव की स्टोरी अच्छी एंडिंग हुई।